मजदूर का, नौजवान का, महिलाओं का, वह काम सब किए चलो, उसी के क्रम में आज समापन सत्र का है के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। 2022 में अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय दर्ज की है और 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। आपके गोंडा के जो सांसद है वो उन्होंने कहा कि मैं आजम खान साहब से मिल सकता हूँ, क्या बीजेपी के और भी लोग मिल सकते हैं, आप भी जा सकते हैं क्या सीतापुर? तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, आपके सांसद जो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे हैं मुझे। तो ऐसे आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसका इलाज करूँ। 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? शिवपाल यादव सामा की बुराई कर रहा है। हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया जाएगा, नई जरूरत होगी मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती है, जाके प्रियंका मैडम, राहुल गांधी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कोई मिल सकता, आप भी जाके मिलाओ। अब आप मिलने जाओ तो हम कहते हैं आप भाजपा में शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वतंत्र है और वह मिलने के लिए आ सकता है, किसे लेना किसे नहीं लेना ये पार्टी तय करती है।